हेलो एम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के लेक्चर पर हम बात करने वाले हैं हमारी एक नेक्स्ट यूनिट पर आज से हम लोग हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें जो है आपकी आइसोपोलियन तो तो पर हम क्या करते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं बेसिक्स देखते हैं ओके तो आज के लेक्चर पर हमने क्या बात करना है कि पॉली एसिड्स क्या होता है क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका पहला टॉपिक है कि व्हाट इज आइसोपोलियन हाइड्रोपॉली एसिड तो फॉर मॉलिबिडम एंड टंगस्टन उससे पहले हमको ये चीज देखनी जरूरी है कि पॉली क्या होता है क्योंकि आपके ये आइसोपॉली एंड हेट्रोपोली ये दोनों क्या है आपके पॉली एसिड के ही क्लासिफिकेशन है ओके तो पहले आपको क्या समझना है कि पॉली एसिड क्या है देन हम उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन यानी कि आइसोपोली एसिड एंड हैोपोली एसिड को डिस्कस करेंगे ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को और एक और चीज आपको मैं बता दू कि आपने जो भी चीजें यहाँ पर पढ़नी है जैसे आपके सिलेबस पर लिखा है कि आइसोपोली एंड हैोपोली एसिड को एक्सप्लेन करो इनका क्लासिफिकेशन इनका स्ट्रक्चर इनकी प्रिपरेशन वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है बट ये सारी चीजें आप जो डिस्कस करने करने वो सिर्फ मॉलिबिडम एंड टंगस्टन के रिस्पेक्ट में ही करेंगे इनके अलावा कोई भी एलिमेंट को हमने डिस्कस नहीं करना है ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम बात करने वाले हैं वट इज पॉली एंड इट्स क्लासिफिकेशन ओके तो देखो पॉली को मैं आपको सिंपली ऐसे समझाती हूँ देखो जो पॉली है ना ये जो पॉली टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बना है आपका एक पॉली हो गया दूसरा हो गया आपका एसिड ओके तो ये पॉली को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको जिस इतना पता है ना कि एसिड क्या होता है

ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं पॉली एसिड सिंपल लैंग्वेज में समझ में आप जस्ट इतना सोचिए कि आप एसिड को क्या बोलते हैं आप एसिड होता है एच पॉजिटिव आइन को डोनेट करने वाला कंपाउंड होता है आपका एसिड ओके okay. और अगर मैं इसे पॉली एसिड बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऐसे एसिड जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन को एच पॉजिटिव आइन को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं ऐसे एसिड्स को आप क्या बोलते हैं पॉली एसिड इतनी चीज क्लियर आई तो मैंने भी यही डेफिनेशन को यहाँ पर लिखा देखो यहां पर एक और चीज मैंने ऐड की है पॉली एसिड को आप एक और टर्म से जानते हैं वो होता है पॉलीमेटलेट एसिड अब पॉलीमेटलेट एसिड मतलब क्या हुआ कि पॉली एसिड जब आप देखेंगे इनके एग्जाम्पल देखेंगे वहां आपको एक मेटल भी मिलेगा जैसे आपने किसके रिस्मेक्ट में बात करनी है मॉलीबिडनम और टंगस्टन तो यहां पर को क्या हुआ मॉलिबिडनम टंगस्टन एज अ मेटल पर को बिहेव करेंगे इसलिए हम लोग क्या है पॉली एसिड को क्या बोलते हैं मोलीबिडनेट सॉरी पॉलीमेटलेट एसिड भी बोलते हैं ओके okay? तो ये बोल रहा है कि पॉली एसिड या फिर आप बोल सकते हैं पॉलीमेटलेट एसिड क्या होते हैं आर द एसिड हैविंग ए मोर देन वन रिप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन जिनके पास क्या है एक से ज्यादा एच पॉजिटिव आयन हो रिप्लेस करने के लिए या फिर आप बोल सकते हैं रिमूव करने के लिए ऐसे एसिड्स को आप क्या बोलते हैं पॉली एसिड इतनी चीज क्लियर आई तो जस्ट इस चीज को अपने माइंड पे बैठा लीजिए ओके अब मैं आपको बताती हूँ ये पॉली एसिड्स कैसे बने तो थोड़ा सा हमको चीजों को एक्सप्लेन करना है आप जस्ट यहां पे सुनिए ये बोल रहा है कि आपके जो पॉली एसिड है ना ये कैसे प्रिपेयर होंगे ये बोल रहा है आपको एक काम करना है आपने मोनोमेरिक ऑक्साइड आयन का साथ क्या करना है उसका पॉलीमराइजेशन करा देना है या फिर आप उसका कंडेंसेशन करा दीजिए ओके अब आप बोलेंगे मोनोमेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं मोनोमेरिक ऑक्साइड आयन आप कैसे बोल सकते हैं कि स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे हो रही है चेक कर दीजिएगा मोनोमेरिकाइड क्या होते हैं ऐसे ऑक्साइड ऑक्साइड आप किसे बोलते हैं अगर कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाने ऑक्सीजन के साथ तो उन्हें हम बोलते हैं ऑक्साइड ओके तो अगर आपका ऑक्सीजन सिर्फ एक हो तो बन जाएगा मोनोमेरिक ऑक्साइड ओके तो ये बोल रहा है कि अगर आप अपने मोनोमेरिक ऑक्साइड आयन को क्या कराएंगे उसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे या फिर कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी एसिड हो सकता है मोनोमेरिक एसिड किसी का भी

जैसे आप पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन कराएंगे कंड कर सोल्यूशन सोल्यूशन धीरे धीरे क्या होगा एसिडिफाई होगा? होगा उस टाइम पर आपने इस मोनोमेरिक ऑक्साइड्स का या फिर मोनोमेरिक ऑक्साइड आयन का क्या कराना है कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन कराना है जिसकी वजह से क्या होगा इसकी वजह से ये होगा कि आपका जो ऑक्सो एसिड्स है एसिड जो है उसमें क्या होगा ऑक्सीजन एटम की प्लेस आपका एसिड का रेडिकल आ जाएगा और एसिड के मतलब कि आपका जो, है, वो हो जाएगा? जो आपका का रेडिकल है उस हो जाएगा। आपको जो मिलेगा, उसी कंपाउंड को आप बोलते हैं पॉली एसिड ओके तो कंफ्यूज हो रहा है कंफ्यूज मत हो मैं आपको जिस इतना बताती हूँ यहाँ पे आपको सिंपली लिखा है कि आप कैसे बनाएंगे अपना पॉली सॉरी अपना पॉली एसिड कैसे बनाएंगे ये बोल रहा है अगर आपके सिंपल एसिड में एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर हुआ लेकिन सिंपल एसिड भी आपका एक कंपाउंड नहीं होना मतलब एक सिंपल एसिड नहीं होनी चाहिए दो या फिर दो से ज्यादा मॉलिक्यूल होने चाहिए आपके एसिड के उसमें जब आप वाटर का एलिमिनेशन कराएंगे तो आपका जो एसिड बनेगा वो होगा पॉली एसिड जैसे आप यहाँ पर को देख सकते हैं हमने क्रोमिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है एस टू सी आर ओ फोर क्या होता है क्रोमिक एसिड आपने दो मॉलिक्यूल लिए हैं क्रोमिक एसिड के तो जैसे आपने यहां से वाटर का रिमूवल किया तो आपका यहाँ पर जो कंपाउंड मिला जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिला ये बन गया आपका पॉली एसिड सिमिलरली नीचे वाले केस में मैंने तीन मॉलिक्यूल ले हैं क्रोमिक एसिड के सिमिलरली यहाँ भी मैंने वाटर का रिमूवल कराया तो जो मुझे फाइनल कंपाउंड यहाँ पे मिला रिजल्टिंग कंपाउंड ये मेरा पॉली एसिड बन सकता है इतनी चीज क्लियर आई ये तो जस्ट बात होगी पॉली एसिड का थोड़ा इंट्रोडक्शन अब मैं आपको पर्टिकुलरली डेफिनेशन के फॉर्म में बता दू क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है पॉली एसिड क्या होता है तो आप यहाँ पे सुनिए ये बोल रहा है पॉली एसिड क्या है देखिए ना ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि पॉली एसिड्स क्या है जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि पॉली एसिड्स आर द एसिड हैविंग ए मोर देन वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम यानी कि जो एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर सकता है वो होता है पॉली एसिड बट उसके साथ साथ ये बोल रहा है कि जो पॉली एसिड होता है वो एक टाइप के वीक एसिड होते हैं पॉली एसिड क्या होता है वीक एसिड होता है और ये वीक एसिड किसके होते हैं कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के यानी कि कुछ पर्टिकुलर मेटल ही आपके पॉली एसिड बना सकते हैं वो मेटल्स क्या है जैसे यहाँ पर बोल रहा है वेनेडियम नियोबियम मोलिबिनम टंगस्टन इटी से ये सारे एलिमेंट्स ही क्या कर सकते हैं पॉली एसिड इनके अलावा थोड़े बहुत और है यही मेटल्स आपके पॉली एसिड को बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं वो भी लिखा है विच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन एंड द पॉलीमराइजेशन एंड द एंडक्टराइज बाय द एज विच विच आर द कंडेंस टू फॉर्म कंटेनिंग सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ असिड एन हाइड्राइड एंड दिस इज नोन एज अ पॉली एसिड यानी कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं ये प्रिपेयर होते हैं बाई ये पॉलिमराइजेशन और जैसे आप अपने मोनो ऑक्साइड वाला जो मैंने यहाँ पर आपको बोला मोनोमेरिकाइड एंड को कंडलीमराइज करते हैं तो कंड के टाइम पर आपको क्या मिलता है एक एनाइन मिलता है वो एनाइन क्या करता है क्या कंटेन करता है एसिड एनहाइड्राइट और आपको पता है एसिड एनहा जब किसी एसिड में से वाटर को हम रिमूव करते हैं तो जो आपको यहाँ पर फॉर्म होता है वही होता है आपका एसिड तो देखो वही चीज तो हमने पे किया हमारे पास आपका एसिड था ओके okay, हमने इस एसिड से वाटर को रिमूव किया और रिमूवल होने के बाद आपको पता है जैसे आप एसिड से वाटर रिमूव करते हैं तो आपको एसिड एनहाइड्रेट मिलता है तो यहाँ पे आपको एसिड एनहाइड्रेट मिलेगा एनायन के फॉर्म में तो यहाँ पे जो आपका एनायन आता है आफ्टर आफ्टर कंडेंसेशन उस में क्या होता है वो एक या फिर एक से ज्यादा नंबर के क्या होता है एसिड एनाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है okay? ये चीज समझ पाए और ये टाइप के इस टाइप के एसिड्स को ही आप क्या बोलते हैं पॉली एसिड तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए ये बोल रहा है द फॉर्मुला ऑफ अ मोलिबिडेट इन इन एल्कलाइन सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई आर टू एम ओ ओ फोर यानी कि आर टू है ये एमओ यानी कि मोलिबिडम ओ आपके पास ऑक्सीजन कितने फोर है वेयर इज इन एसिडिक आपका आप इसे रहे है रिप्रेजेंट कर रहा लेकिन सोल्यूशन जैसे ही आपका एसिडिफाई होने लगेगा धीरे धीरे एसिडिक होने लगेगा जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होने लगेगा तो ये बोल रहा है यहाँ पर आपको क्या मिलने लगेगा कॉम्प्लेक्स एंड टेक्स प्लेस विच आर रिप्रेजेंटेड जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आर टू O होगा ओ के साथ यहाँ पर को एन लिखा हुआ है फिर लिखा है एम ओ थ्री और यहाँ पर जो एन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिपेंड कर रहा है वन टू थ्री फोर कुछ कितने भी हो सकते हैं ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ अ पीएच ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन का पीएच कितना है उसके बेसिस पे यहाँ पर को एन का नंबर रखा जाएगा इतनी चीज क्लियर है और एक और डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है कि पॉली या फिर आप बोल सकते हैं पॉली एसिड बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ अ मोनोसाइज मेटल ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लस्टर है ना यानी कि ये क्या होता है का आप ऐसा भी सोच सकते हैं जैसे हमें नाम से पता चल रहा है पॉली एसिड्स क्या है एक टाइप के पॉली मैंने आपको क्या बोला पॉली एसिड को आप क्या बोल सकते हैं पॉली टाइप के क्लस्टर कंपाउंड है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है आपका मेटल और मेटल के साथ ऑक्सीजन और मेटल आपने कौन कौन सा लेता है सिर्फ मॉलिबिंडम और टंगस्टन तो यहाँ पर जो मॉलिबिंडम और टंगस्टन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होके एक एनाइनिक क्लस्टर फॉर्म करेगा इसी टाइप के एनाइनिक क्लस्टर को आप क्या बोलते हैं और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है टिपिकली एसिडिक होता है जैसे हमने दोनों पॉइंट तो पे डिस्कस किया कि आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिफाई होता है तो इस टाइप के विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर और वाटर का एलिमिनेशन भी होता है तो आपको क्या मिलेगा जैसे वाटर एलिमिनेट होगा आपको एसिड एनाइड्रेड मिलेगा तो इस टाइप के एनाइन को आप क्या बोलते हैं इस टाइप के क्लस्टर को आप क्या बोलते हैं पॉली एसिड या फिर आप बोल सकते हैं पॉलीटॉक्सोमेटलेट एसिड इतनी चीज क्लियर आई तो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन पॉली एसिड पे

तो आपको ये बन गया पॉली एसिड यहाँ पर को आपके पास क्या होगा एनहाइड्राइड होगा एसिड एनहाइड्राइड क्योंकि आपको पता है जैसे एसिड से क्या हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं तो हमें एसिड एनहाइड्राइड मिलता है सिमिलरली दूसरे केस में आप मोलीबिंडम के लिए वही करें ट्वेंटी फोर एच पॉजिटिव लिया ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा प्लस एच पीओ फोर टू नेगेटिव लिया यहां पर हमने लिया ट्वेल्व एमओ मॉलिमिंडम के साथ हमने ओ फोर टू नेगेटिव लिया एन एन के फॉर्म में दोनों ही और जैसे रिएक्शन हुई जैसे आपने 12 वाटर को एलिमिनेट किया तो यहाँ पर आपको मॉलिमिंडम का पॉली एसिड मिल गया ओके तो ये जो सिंपल इक्वेशन है आप इसे याद कर लीजिएगा सिंपल रिएक्शंस है अब ये जनरली क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अब आपको जो पॉली एसिड मिलते हैं वो भी आपके दो क्लास में क्लासिफाई किए जाते हैं एक होता है आपका आइसोपोली एसिड दूसरा होता है आपका हाइड्रोपोली एसिड ओके और आइसोपोली एसिड से जो आपको एनाइन मिलता है क्योंकि आपको बता है आपको जब एसिड मिल रहा है पॉली एसिड तो वो एक एनाइनिक फॉर्म में मिलता है तो उस एनाइन को जो आपका आइसोपोलिक एसिड से डिराइव होता है उस एनाइन को आप बोलते हैं आइसोपोली एनाइन सिमिलरली वो एनाइन जो आपको कहां से डिराइव हो रहा है जब आप हेट्रोपोली एसिड फॉर्म कर रहे हैं इस एनायन को आप बोलते हैं हेट्रोपोली एनाइन ओके okay. अब यहाँ पर को क्या दिखा है इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है सिंपली एनाइंस का तो एनाइन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखा है आइसोपोली केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखा है एम 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 है एम में यहाँ पर को एम लिखा है नीचे साइड से यहाँ पर को एम कुछ भी हो सकता है ओके okay, नीचे लिखा है वाई और पी नेगेटिव यानी कि यहाँ पर नंबर भी कुछ भी हो सकता है ओके okay? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है सिंपल फॉर्मूला है ये आपका आइसोपोली एसिड का है और नीचे वाले जिसमें आपको एक, एक का एडिशन दिया हुआ है एक्स की पावर मतलब यहाँ पर को नंबर का हो सकता है कितने भी नंबर हो सकते हैं एम यहाँ पे एम नंबर का हो सकता है ओ यहाँ पे वाई नंबर का होता है क्यू नंबर का आपका चार्ज होगा ये है आपका हेड्रोपोली एसिड ओके अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो आपका एम है ये आपका क्या है एडेंडा एटम है एडेंडा एटम मतलब उस एटम को हम एनंडा एटम कहते हैं जो आपका क्या है पीएम या फिर आप पीएमओ एम नहीं कह रहा है पीओ एम यानी कि पीओएम क्या होता है पॉलीऑक्सोमेटलिट का फ्रेमवर्क कैरी करे होते हैं यानी कि वो पॉली एसिड्स का फ्रेमवर्क कैरी करे होते हैं तो यहाँ पर जो आपके मेटल्स होंगे वो वही मेटल्स हैं जो आपके पॉली एसिड बना रहे हैं जैसे आपका वैनेडियम और टंगस्टन की बात सॉरी किसकी टंगस्टन और मॉलीबिडन की बात यहाँ पर को आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके मेटल वो दो ही मेटल्स होंगे जिसे आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं एक है आपका टंगस्तन दूसरा है आपका मोलीबिटम तो उन आइटम्स को आप एक टर्म यूज करते हैं इसे आप बोलते हैं आइटम ओके और यहाँ पे जो एक्स है एक्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, है हेट्रो यहाँ पे कोई भी हेट्रो आइटम आ सकता है हेट्रो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एंड दिस हेट्रो दिसम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सेंट्रल एम वेन इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए पॉलियन तो अगर आपका पॉली या फिर आपका जो फाइनली पॉली एसिड बना है वो एनाइनिक फॉर्म में तो हम उसे पोलियनाइन भी बोल लेते हैं तो पॉली एन के सेंटर पे अगर आपका कभी कभार एक्स की पोजिशन सेंटर पे आपको दिखे तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि आपका जो X है वो एटम तो है बट इसे आप एटम भी कहेंगे क्योंकि वो आपके पूरे एसिड के सेंटर में प्रेजेंट है ओके ओके अब यहां पे बोल रहा है द द तो द द मोस्ट कॉमन एटम आर टंगस्टन एंड एंड लेस नियोबियम तो ये क्या बोल रहा है कि अगर सबसे ज्यादा अगर आप मोस्ट कॉमनली यूज एडेंडा एटम देखना चाहते हैं तो आपका मॉलिबिडम और टंगस्टन है जिसके बारे में आपने डिस्कस करना है और सबसे लीस्ट यानी कि बहुत रेयरली जिसे हम यूज करते हैं वो है आपका वेलिडियम लिए okay? तो जाता है, है कॉमन है।, है वो आपके मोलिबीम और ओके, अब ये बोल रहा है, मच ब्राउडर रेंज ऑफ द एलिमेंट एक्टर और बहुत सारे आइटम्स की तरह बिहेव कर सकते हैं तो ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ इनपोलियन आई एंड मोस्ट टिपिकली जो सबसे कॉमनली आप यहां पर को की फॉर्म में यूज करते हैं वो है आपका पी एफ 5 5 एस फाइव फाइव पॉजिटिव एस पॉजिटिव जी पॉजिटिव एटीसी यानी कि ये जो फास्फोरस आर्सेनिक वाले एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स यहां पर को एज अ की तरह बिहेव कर सकते हैं ओके तो यहां पर को क्या बोल रहा है वेयर द मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर द बेस्ट पी ओ एम यानी कि पॉली ऑक्ट फॉर्मिंग एलिमेंट यानी कि ये दोनों ही एलिमेंट सबसे अच्छे एलिमेंट की तरह किए जाते हैं यानी कि बहुत अच्छे एडेंडा होता है और एडेंडा एटम के कौन होते हैं वो आइटम जो इनके बाद ये टेंडेंसी होती है कि वो पी ओ एम का फ्रेमवर्क कैरी कर सके या फिर पॉली एसिड का फ्रेमवर्क कैरी कर सके तो सारे एसिड नहीं है जो आपके सिलेबस पे दिया है मोलीबिडम और टंगस्टन ये ही आपके बेस्ट एग्जाम्पल रहते हैं इतनी चीज क्लियर आई अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं वट इज आइसोपोली एसिड एंड हाइड्रोपोली एसिड ओके तो अब ये क्या बोल रहा है कि क्या होता है? तो आइसोपोली एसिड को एक कर रहा है ये बोल रहा है आइसोपोली द एसिड सिंपली वी कैन से दैट दीस पॉली एसिड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एसिड एंड्रेट तो देखो मैंने आपको क्या बोला था आपके पास इनिशियली होगा एसिड एसिड से अगर आप वाटर को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि पता है वाटर तो एलिमिनेट होगा तो वाटर जैसे एलिमिनेट करता है यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो तो पॉली एसिड है बट ये पॉली एसिड में क्या होता है एनहाइड्राइड होता है क्योंकि अगर आप एसिड से वाटर को एलिमिनेट करता है तो एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड आपको मिलता है तो अगर ऐसा पॉली एसिड जिसमें आप वाटर को रिमूव करने के बाद आपको सिर्फ एक ही टाइप का एसिड एनहाइड्राइड मिले एक ही एसिड एनहाइड्राइड मिले तो इस टाइप के पॉली एसिड को आप क्या बोलेंगे आइसो पॉली एसिड और आइसो मतलब आपको पता है अकेला सिंगल के लिए हम लोग आइसोटम का यूज करते हैं तो आइसो पॉली एसिड ऐसे पॉली एसिड है जिसमें आपको सिर्फ एक टाइप का या फिर एक बोल सकता है

अगर आपको दूसरे टर्म से एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके पास एसिड है जैसे हमने क्रोमिक एसिड दिया H2CO4, इस क्रोमिक एसिड में हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कराया है, किसकी हेल्प 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 से 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 आपके रेडिकल 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 की की आपका क्या है नेगेटिव इस रैडिकल की से हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस कराया आपके एसिड में क्रोमिक एसिड में तो उसके बाद आपको जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उन प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे पॉली एसिड बट वो पॉली एसिड क्या होंगे एक टाइप के आइसोपोली एसिड होंगे और के एग्जांपल्स आपको क्या दिए हुए हैं H2CRO3 भी एक टाइप का पॉली एसिड है बट ये कौन सा पॉली एसिड है आइसो पॉलीएक्सेट क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप का एसिड एनहाइड्राइड कंटेन करता है ओके okay. सिमिलरली CRO4 भी एक टाइप का पॉली एसिड है भी भी एक एक टाइप टाइप का का है और 2CR, का क्या है है ओके okay. और एक और टर्म में अगर आप आइसो को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है आगे भी भी को डिस्कस किया एसिड हो आपके पास और एसिड के क्या दो या दो से ज्यादा टाइप के कंपाउंड मॉलिक्यूल आपके पास हो तो उसमें अगर आप क्या करें वाटर को एलिमिनेट करें एलिमिनेशन ऑफ वाटर कराए

वाटर को एलिमिनेट करने के बाद जो आपको फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट मिले ये सारे प्रोडक्ट क्या है पॉली एसिड है और ये पॉली एसिड भी कौन कौन से ये पॉली एसिड है आपके एसिड इतनी चीज क्लियर आई अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कोई लिखा हुआ द इम्पोर्टेंट आइसोपोली एसिड आर द आइसोपोली मोलिब्रेट और आपको पता है सबसे ज्यादा सबसे कॉमनली यूज होने वाले आइसोपोली कौन है मॉलिबरेट और टंगस्टन के तो है तो यहाँ पे बोल रहा हैं अगर आप इनके प्रॉपर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो आइसोपोली एसिड के एग्जांपल है आपका आइसोपोली मोडोरेट और अगला है आपका आइसोपोली टंगस्टनेट अगला है आपका आइसोपोली ओके तो ये सारे किसके एग्जांपल है एसिड के ओके अब लास्ट है आपका हेट्रोपोली एसिड्स क्या होता है तो सिंपल सी बात है, 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 पॉली मतलब है हेट्रो एसिड मतलब मतलब होता है अलग अलग तो ऐसे पॉली एसिड जिसमें जो आपका एसिड एनहाइड्राइड होंगे वो अलग अलग होंगे यानी कि आपके पास अलग अलग सीरीज के एसिड एनहाइड्राइड होंगे तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है की हेट्रोपोली एसिड आर द टाइप ऑफ द पॉली एसिड मोर देन वन टाइप पॉली एसिड सॉरी एसिड एन हाइड्रेट यानी कि ऐसे पॉली एसिड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एसिड एनहाइड्रेट आपके पास हो या फिर आप बोल सकते हैं विच आर फॉर्म डिफरेंट सीरीज ऑफ असिड एनहाइड्रेट ऐसे पॉली एसिड जो अलग अलग सीरीज के एसिड एनहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन से बने हैं इन्हें आप बोलते हैं हेट्रोपोली एसिड जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है हेट्रो मतलब होता है अलग अलग मतलब डिफरेंट ओके आइसो मतलब हो गया कॉमन ओके एक अकेला ओके okay? तो अगर आपके पास अलग अलग टाइप के एसिड एनहाइड्रेट है तो आप उसे बोलेंगे हेट्रोपोली एसिड अगर एक ही है देन आपका आइसोपोली एसिड ओके okay? तो अगला ये बोल रहा है or we can say that they are formed by the union of a variety number of acid anhydride molecule with the same uh, with the, some other acid which could uh, which could furnish uh, the central metal at uh, central atom of a central ion and the whole of the of the whole. और अगला ये क्या बोल रहा है और ये बोल रहा है और वी कैन से दैट दे आर ए यूनियन ऑफ ऑफ अ अ नंबर नंबर वेरिंग एसिड तो आपके पास क्या होंगे अगर अलग अलग नंबर के एसिड एंड हाइड्राइड है उनके कॉम्बिनेशन से अगर ऐसा आपके पास पॉली एसिड हुआ जिसमें आपके अलग अलग नंबर के एसिड एंड हाइड्राइड है तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप इस टाइप के पॉली एसिड को क्या बोलेंगे हाइड्रोपोली एसिड तो यहाँ पर लिखा है द दिस टॉपिक और ऐसा एनाइन जो आपके हाइड्रोपोली एसिड से फॉर्म हुआ इसे आप बोलते हैं है और ऐसा एनआईनोलीसिड बोल सकते हैं यहाँ पर लिखा है आपका एम एस पॉइंट पी टू पी यहाँ पर आपका मेटल है हेट्रो आइटम जिसे हमने बोला ओ फाइव वाई एमओ थ्री तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका मोलिबिडम आ गया यहाँ पर आपका हेट्रो आइटम आ गया ये जो कॉम्प्लेक्स है ये जो फॉर्मूला है एक टाइप की हाइट्रोपोली एसिड का फॉर्मूला है, है तो यहाँ पर तो इतना हुआ। और इसके साथ साथ ये दोनों एग्जाम्पल भी आप वहां पर एड कर सकते की एच थ्री पी डब्लू ट्वेल्व ओ फोर्टी और एच सिक्स पी टू एमओ एटीन ओ सिक्सटी टू ये दोनों भी क्या है एक टाइप के पॉली एसिड और कौन से पॉली एसिड है हाइट्रोपोली एसिड यानी कि ये अलग अलग नंबर के एसिड एंड को कंटेन करके हुए बैठे होंगे ओके तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसपे हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पे बात किया पॉली एसिड क्या होता है हाइड्रोपोली एसिड और आइसोपोली एसिड ओके तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसपे हम लोग मोलीबिडनम और टंगस्टन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि मोलीबिडनम का आइसोपॉली एसिड क्या होता है हाइड्रोपॉली एसिड क्या होता है टंगस्टन के आइसोपॉली आइसोपोलीसिड क्या होता है हाइड्रोपॉली एसिड क्या होता है इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है साथ ही साथ हम इनके क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इनका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे ये सारी की सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से आज जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था तो हम इसी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय